साथियों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही चैनल NIS ऑनलाइन हब में। तो दोस्तों आज है 4 दिसंबर और 4 दिसंबर के डेट में बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित जितनी भी अपडेट आ रही है जो इस वीडियो में बात करने वाले हूँ। साथ में दोस्तों शिक्षा विभाग की तरफ से 2 लेटर जारी किया गया है, उस लेटर का भी यहाँ पर जिक्र करेंगे और क्या है खुशखबरी इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। तो दोस्तों कुल मिला के कहिए कि इस वीडियो में आपको जो है 4 से 5 बड़ी अपडेट देखने को मिलेगा। साथ में सीटेट दिसंबर के केस के जजमेंट का भी हम लोग यहां पर बात करेंगे। तो इन तमाम जो है अपडेट पाने के लिए वीडियो को आप अंत तक देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना। दोस्तों सबसे बड़ी खुशखबरी ये है, जैसा कि आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, प्राथमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा ये ट्वीट किया गया है जिसमें कहा गया है कि बिहार शिक्षक बहाली की काउंसलिंग का डेट जो है जल्द ही जारी किया जाएगा। तो एक बड़ी खुशखबरी है दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। और काउंसलिंग की प्रक्रिया कैसी होती है उसका एक स्पेशल वीडियो लेना चाहते हैं तो नीचे में ज़रूरी अपना कॉमेंट कीजिएगा कि हाँ लेना चाहते हैं। दोस्तों उसी के बाद जो है डेट का भी घोषणा कर दिया गया है, जैसा कि आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, प्राथमिक शिक्षक निदेशक के द्वारा एक बड़ी ही अनाउंसमेंट कर दिया गया है जो कि काउंसलिंग को लेकर आप देख पा रहे होंगे आपके स्क्रीन पर। इसमें लिखा हुआ है कि दिसंबर के अंत सप्ताह में काउंसलिंग की संभावना है बी पॉजिटिव। दोस्तों एक बड़ी खुशखबरी यहां पर निकल के आई है जो कि 94,000 बहाली को लेकर, और यहां पर देख पा रहे होंगे दिसंबर के अंतिम सप्ताह में आपकी जो है काउंसलिंग होने जा रही है। दोस्तों जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सारा तैयार करके रखिए क्योंकि ये बहाली शिक्षा विभाग जो है काफ़ी एक्शन में दिख रही है और जो नया सरकार बना है काफ़ी एक्शन में दिख रहा है। तो दोस्तों एक बड़ी यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट आ रहा है कि दिसंबर में जो है 94,000 की बहाली जो है रुकी हुई थी 1.5 साल से, वो जो है बहाली जो है होने जा रही है। जैसा कि आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे दिसंबर के अंतिम सप्ताह में काउंसलिंग की संभावना बी पॉजिटिव रही है। दोस्तों जैसा कि आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे ये जो है कल जो है ट्वीट किया गया है, आप देख पा रहे होंगे STTT उत्तीर्ण शिक्षक नियोजित शिक्षक डाटा एंट्री ऑपरेटर नियोजित कर्मचारी पंचायत सचिव टोला सेवा को चिंता करने की जरूरत नहीं है, इंतजार कीजिए जल्द ही आप सबों को एक अच्छी खबर मिलेगी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम काम पर यकीन करते हैं। दोस्तों जैसा कि आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे गुणवत्ता शिक्षा के लिए बनेगा रोड मैप। शिक्षा विभाग की समीक्षा में मंत्री ने शिक्षक नियुक्ति को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी खबर यहाँ पर निकल के आई है, जैसा कि आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे शिक्षा विभाग की तरफ से जो समीक्षा की गई है उसमें शिक्षक नियुक्ति को जो है प्राथमिकता दी गई है और जो बहाली चल रही है 94,000 उस बहाली को जो है जल्द से जल्द विभाग जो है कराने का जो है निर्देश दिया गया है, जो कि उस दिन समीक्षा हुआ शिक्षा मंत्री के द्वारा और सभी निदेशालय और अपर मुख्य सचिव जितने भी अधिकारी के द्वारा समीक्षा किया गया और इसमें बिहार में जितने भी रिक्त खाली पड़े हैं सभी को कार्यालय पटना के तरफ से ये जो है जारी किया गया है। माध्यमिक निदेशालय जो गिरिवर दयाल सिंह के द्वारा जो है लेटर को जारी किया गया है जिसमें सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी जिला कार्यालय पदाधिकारी को ये लेटर को जारी किया गया है। आप देख सकते हैं डेट करंट अपडेट आपके सामने है दोस्तों, क्योंकि चैनल पर आपको दोस्तों जो भी अपडेट देने का प्रयास करता हूँ सटीक सही जानकारी दे पाऊँ। विषय में दोस्तों आप देख सकते हैं जिला अंतर्गत राजकृत परियोजना माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत प्रधान अध्यापक और शिक्षकों को कमी को जो है उपलब्ध कराने के संबंध में, यानी जितने भी खाली पद है उसको जो है मांगा गया है और ये कट ऑफ डेट जो दिया गया है 31 तारीख तक शिक्षा विभाग ने मांगा है। जितने भी माध्यमिक में विद्यालय प्रधान अध्यापक सहायक पद की रिक्त पड़ी हैं उसको जो है मांगा गया है और इस प्रकार से डाटा यहाँ पर मांगा गया है। देख सकते हैं विद्यालय का नाम माध्यमिक उच्च विद्यालय प्रधानाध्यापक का नाम और यहाँ पर जो है डाटा मांगा गया है। तो दोस्तों एक लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जो कि गिरिवर दयाल निदेशक हैं बिहार माध्यमिक शिक्षा विभाग, उसी के तरफ से लेटर को जारी किया गया है और जितने भी खाली रिक्त पड़े हैं प्रधानाध्यापक और सहायक माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में उसकी सारी रिक्तियाँ को 31 स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे सरकार ने 31 तक मांगा शिक्षकों का ब्यौरा।
और दोस्तों आज का ये लेटेस्ट अपडेट है जो कि पटना से निकल के आई है कि सरकार ने जिला अंतर्गत राजकीय एवं राजकृत परियोजना माध्यमिक उच्च विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों की रिक्त का ब्यौरा उपलब्ध न कराने पर नाराजगी प्रकट की है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक गिरी दयाल ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को जो है ये निर्देश दिया गया है कि जिला के कार्यक्रम पदाधिकारी को पत्र लिखा है, सभी को निर्देश दिया गया 31 दिसंबर तक वह अपने जिला कार्यरत प्रधानाध्यापक सा जो है रिक्त पदों का जो विवरण एक जो है प्रारूप में दे, किस विद्यालय में कितने शिक्षक पद है उसका ब्यौरा जो है इतना तक मांगा गया था, निर्धारित तिथि का विवरण कराने वाले पर अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी, अगर नहीं देता है निर्धारित तिथि पर उस पर कार्रवाई की जाएगी, नियोजित कर्मी करे इंतजार, माझी का एक लेटेस्ट और यहाँ पर ट्वीट करके एक बड़ा ही यहाँ पर बयान आया है, कर्मियों को सरकार का तोहफा देने की उम्मीद प्रकट की है। गुरुवार को पूर्व मंत्री ने ट्वीट कर जो है एसटीटी एवं टीटी अभ्यर्थी, नियोजित शिक्षकों, डाटा एंट्री ऑपरेटर, नियोजित कर्मी एवं पंचायत सचिव, टोला सेवकों को चिंता करने की जरूरत नहीं, इंतजार कीजिए, जल्द ही सभी के लिए एक अच्छी खबर यहाँ पर मिलेगी, सभी को यकीन रखते हैं, हम काम पर यकीन रखते हैं। दोस्तों एक बड़ा और यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट आ रहा है जो कि नियोजित कर्मी इंतजार करें मांझी द्वारा का जो है ट्वीट किया गया है जीतन राम मांझी के द्वारा, और यहाँ पर देख पा रहे सरकार ने 31 तारीख तक शिक्षकों का ब्यौरा मांगा गया है। तो जिला कार्यालय पदाधिकारी भोजपुर आरा की तरफ से लेटर को जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी भोजपुर सेवा में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी भोजपुर, सभी कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत भोजपुर, सभी सचिव को ये पत्र लिखा गया है, और ये पत्र जो है लेटेस्ट अपडेट है जो कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा 11 तारीख को लेटर जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि 28 तक जो है हर हाल में आपको संबंधित मेधा सूची यहां पर जारी कर दे। इस दोस्तों आप कह सकते हैं कि चेतावनी वाला लेटर है, आप देख सकते हैं 4 तारीख को एक अंतिम सूची दिया गया है, अंतिम डेट दिया गया है, प्रारंभिक शिक्षक नियोजन 19-20 निर्धारित समय सीमा के अंदर नियोजन प्रक्रिया पूर्ण करने के संबंध में विभागीय यहाँ पर देख सकते हैं उस पत्र का जिक्र किया गया है जो कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा लेटर को जारी किया गया था, उसमें कहा गया कि उपयुक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि उप सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना ज्ञापन फोर्स दिनांक 13/11/2020 के द्वारा प्रारंभिक शिक्षक नियोजन 19-20 हेतु 6-2 वर्ग अभ्यर्थियों की अंतिम मेधा सूची एनआईसी की वेबसाइट पर 25/11/2020 तक एक से जो है संयुक्त रूप कर जारी कर देना था, और ये जो है 28 तक जो है प्रकाशित करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन आप लोग के द्वारा अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया जो कि अत्यधिक खेदजनक है, और इस पर प्रतीत होता है कि उच्च अधिकारी के आदेश के अवहेलना के विरोध जो है शिथिलता के लिए आपके विरोध उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया जा रहा है, अतः आपको निर्देश दिया जाता है कि 4/12/2020 तक वर्ग 6-8 के अभ्यर्थियों की अंतिम सूची एवं 1-5 में संयुक्त मेरिट लिस्ट जो है एनआईसी के वेबसाइट पर अचूक रूप से प्रकाशित करना, अन्यथा की स्थिति में जो है कार्रवाई की जा सकती है। एक बड़ी खबर यहां पर निकल के आई है जो कि भोजपुर जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा ये अपडेट किया गया है, और यहां पर देख सकते हैं सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को आदेश दिया गया है कि हर हाल में जो है 4 तारीख को जो है जारी कर देना, क्योंकि काउंसलिंग का जो होगा वो 6-8 का पहले किया जाएगा। तो दोस्तों एक लेटेस्ट अपडेट आ रही थी जो सो मैंने आपने शेयर किया, अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं ऐसे ही अपडेट के साथ, आप तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।